सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता हो, हमें हर दिन टेंशन रहती है कि क्या बनाया जाए जो बहुत जल्दी भी बन जाए, कम तेल में बन जाए और गर्मी में गैस के आगे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना पड़े। तो आज मैं ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी फ्रेंड्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि। तो ये आलू लिए मैंने दो और इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लिया था, दो तीन पानी से धो लिया था मैंने, ग्रेट करके स्टार्च निकाल दिया है। अभी इसका सब पानी निकाल देंगे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहने देना है, निचोड़ लेना है इसे अच्छे से। तो देखिए आलू एकदम सूखे सूखे से हो गए हैं। अभी मैं ग्रेट की हुई गाजर डाल रही हूँ इसमें और ये डाल रही हूँ मैं पत्ता गोभी। तो फ्रेंड्स आपको जो सब्जी इसमें पसंद है वो डालिएगा। और ये मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज इसमें, और अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। तो अब मेरी हर रेसिपी में ज़्यादातर लहसुन रहता ही है, जिसमें नई ज़रूरत होती है उसमें नहीं डालती हूँ। तो ये लहसुन डाल दिया है थोड़ा सा कट करके, हरा धनिया 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, और ये डाल रही हूँ मैं आधे नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन खटाई के लिए कुछ ज़रूर डालिएगा। ये डाल रही हूँ 2 चम्मच में कॉर्न स्टार्च, तो ये मैंने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए। तो आप इसमें सेका हुआ चावल का आटा या सूजी भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी, लेकिन सेक के लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से हाथ से मसल मसल के और मिक्स करेंगे, इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी से जो हमने नमक डाला है ना, वो सब्जियों में पानी जो निकलेगा उसकी वजह से ये अच्छे से डो बन जाएगा। तो ये डो बन चुका है, इसका मैंने अच्छे से मसल के इसे बना लिया है। और अभी मैं हाथ धो के और फिर मैं इसे काम चालू करूँगी दूसरा। तो अभी मैंने एक प्लेट ले लिया है और इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। मैं इसलिए ये प्लेट पे बना रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरा ये जो मैंने डो बनाया है वो थोड़ा गीला है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें गीला नहीं चाहिए तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स या फिर आटा, कोई भी आटा इसमें डाल सकते हैं और उसे थोड़ा टाइट कर सकते हैं, सख्त बना सकते हैं, लेकिन मैंने इतना गीला ही रखा है इसे। और अभी मैंने हाथ में तेल लगा लिया है, ये प्लेट के ऊपर भी मैंने तेल लगा लिया है और ये डो को मैंने ले लिया है। अच्छे से हाथ से इसके गोला जैसा बनाऊंगी, एक बॉल जैसा बड़ी, और इसे मैं प्लेट पे रख के और हाथ से ही इसे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये इतना गीला है कि इसे बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं इसे हाथ से ही बेल रही हूँ और मैं इजी शेप शेप ही देती हूँ हमेशा, कुछ इजी सा बन जाए ऐसा मैं शेप देती हूँ। आपको अगर ऐसा शेप जो मैं दे रही हूँ वो पसंद नहीं है तो आप और कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। तो मैं इसे लंबे लंबे पीस में कट करूँगी। तो ये गीला है ये डो, तो इसके लिए मैं चाकू से इसे कट करने इससे पहले चाकू पे मैं तेल लगा रही हूँ ताकि ये डो इस पे चिपके नहीं। अगर आप सख्त डो बना रहे हैं तो उसे आप चकले पे, जो रोटी बेलने का चकला रहता है ना, उस पे सूखा आटा डाल के भी आप इसे बेल सकते हैं या हाथ से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने ये प्लेट पे इसे रख के और ये रोटी जैसा बना के और ये चाकू से देखिए मैं लंबे लंबे ही इसे कट कर रही हूँ, ज़्यादा छोटे पीस नहीं ले रही हूँ मैं। और ये जो साइड के मैं निकाल रही हूँ बचे हुए पार्ट, वो उन्हें मैं वापस बना लूँगी। और ये देखिए पीस एक मैंने उठा के आपको दिखा दिया है, तो ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत गीला है। अभी मैं पैन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है, ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें स्टीम भी करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। और ये मैं डाल रही हूँ एक एक पीस, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो एक एक इसमें पीस रख देना है। तो जिसमें जितने इसमें पैन में आएंगे उतने में रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रख रही हूँ क्योंकि पलटने के टाइम पे फिर ये एक दूसरे से टच होंगे और जब मैं इन्हें रख रही हूँ तो भी ऐसा लग रहा था कि ये टूटेंगे, और पलट रही हूँ तो भी इसे सपोर्ट देके पलटना पड़ रहा है, नहीं तो ये टूट सकते हैं आप। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप सूजी या चावल का आटा या और कोई भी आटा डाल सकते हैं इसमें। अगर आप ऐसे जाड़े पीस बना रहे हैं तो आटे को सेक के डालिएगा या फिर इन्हें डीप फ्राई करिएगा। अभी ये एक बेच के तो बन के रेडी हो चुके हैं और दूसरे बेच के भी मैं रखूँगी इस पे पैन में। तो तेल अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें ऑयल लगा हुआ है उसी में ये सब मैं डाल रही हूँ और मैंने इसमें तेल नहीं डाला है तो ये वैसे भी सिक जाएंगे और इन्हें एकदम लो फ्लेम पे आपको सेकना है। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है अगर सब सामान हमने रेडी करके रखा है। और इसमें कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, प्याज है, आलू है,
हरी मिर्ची वगैरह, गाजर वगैरह, तो ये हम कट करके अगर रख सकते हैं तो बना लेते हैं फटाफट, ज़्यादा देर गर्मी के आगे खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो ही प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो कल फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।